डंडा मेरे उठा लिए, अभी से कांटे मार दिए थे मेरे को। दूसरे आम मुर्गों से जो नहीं है तकरीबन काफी बड़ा है, तो नजर आ रहा होगा आप लोगों को दूसरे वाले मुर्गी का, तो मैं पकड़ नहीं पाया, इसलिए नहीं पकड़ा उसको कि वो मारता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो जितनी बहुत ही मज़ेदार है, तो वीडियो देखोगे तो लाजमी आप लोग इन्जॉय करोगे। तो आज की वीडियो है मुर्गों के ऊपर, वो भी कंदारी मुर्गे। मेरे कज़न के घर आया हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि यार हम लोग मुर्गे बेच रहे, आप एक वीडियो बना दो तो अपने चैनल में अपलोड कर दो। मैंने बोला चलो यार ठीक है, मैं कर दूँगा अपलोड, कोई मसला नहीं है। बस तो अगर कोई भाई वगैरह लेना चाह रहा हो तो वो रब्ता कर सकता है। तो अभी हम चले ऊपर छत की तरफ, तो मुर्गे शुर्गे आप लोगों को दिखाए। हाँ मुर्गियाँ भी है, वो भी कंदारी मुर्गी है, मतलब सारे ही बेच रहे जितने भी आपको नज़र आए। चलो अभी हम लोग चलते ऊपर छत की तरफ। तो अभी हम ऊपर छत की तरफ जा रहे हैं, तो छत पर जा रहे हैं, मेरा पांजा अभी ऊपर ही है। तो ऊपर चमन पहले से आया हुआ है, तो खड़ा हुआ ये पहले से, ये बंदा कहाँ है भैया, आपकी मुर्गी दिखाओ यार। ये इधर है मुर्गी आपके, दिखाए लड़ाका, सबसे पहले लड़ाका मुर्गा। ये जितने भी मुर्गे है भाई सारे कंदारी है, तो भाई इनके बाबा जो नहीं है इनको बेच रहे। हाँ खोलना भाई, मारता था इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने डंडा उठाया अपने लिए। भाई तू अपने लिए कुछ और उठा ले, ये बैग उठा ले तू अपने लिए। तो मुर्गा मारता है भाई, तो सेफ्टी के लिए बस उठाया हुआ है, क्योंकि पीछे लग जाता है भाई। तो अभी नासिर आप लोग अभी देख सकते हैं भाई, कंदारी मुर्गा, कंदारी है ना, बिल्कुल कंदारी है। हाँ तो कंदारी मुर्गा है भाई, ये बिक रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, नज़र ना लगे भाई, कितना मस्त मुर्गा है भैया, आप देख सकते हो भाई। अगर ये बिक रहा है, अगर कोई लेना चाहे तो भाई वो रब्ता कर सकता है, मैं नंबर दे दूँगा। तो भाई ये भी आप देख सकते हो कितना प्यारा मुर्गा है ये। तो गेम बजाना पड़ेगा। डंडा मेरे उठा लिए, अभी से कांटे मार दिए थे मेरे को। कैसा दिया यार, कसम से जैसे डंडा मैंने नीचे रखा वैसे इसने मुझ पर हमला किया, हल्का से लगा इस हाथ में। तो भाई अभी इसको मैं बंद करने लगा हूँ, क्योंकि और मेरे को मार नहीं खाना इससे। अरे एक मुर्गी तो अंदर है यार, खोल बंद कर। तो ये भी कंदारी मुर्गी है भाई, ये भी बहुत आला नस्ल की मुर्गी है। बस अभी है तो सारे ही अच्छे है भाई, मैं बुरा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो मुर्गे से तो भाई अभी मेरे को बहुत डर लग रहा है, इसको मैंने फटाफट बंद कर दिया भाई, जब से इसने मुझ पर हमला किया है। तो अभी इधर और भी है, तो और भी मुर्गियाँ पड़ी हुई है, मुर्गा एक और है यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा मुर्गा है। तो अभी दिखाते हैं अभी हम आपको खोल के। तो वही अभी आप लोगों ने देखा ना कैसा मैं बच गया भाई, हल्का फुल्का उसका कांटा मेरे को लगा था, लेकिन अच्छा हुआ बस कप्ते को मैंने बचा दिया, वरना गया था भाई सुराख मुराख कर देता है तकील वगैरह मेरे को भी। तो अभी इधर और भी है, और भी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, और भी है पड़े हुए इधर, कंदारी है सारे कंदारी। अभी एक मुर्गा और है वो, लेकिन थोड़ा अच्छा मुर्गा है ये वाला मुर्गा, उससे अच्छा है यार, ये नहीं मारता है यार, उसने तो कसम से भी मेरे को हल्का फुल्का जख्मी कर ही दिया था। मुर्गा पकड़ा मैंने, कंदारी मुर्गा है भाई ये। तो अभी आप देख सकते हैं भाई, इसका जान वगैरह देखे और कद वगैरह देखे, हाइट वगैरह देखे भाई, दूसरे आम मुर्गों से जो नहीं है तकरीबन काफ़ी बड़ा है। तो नजर आ रहा होगा आप लोगों को दूसरे वाले मुर्गे का, तो मैं पकड़ नहीं पाया, इसलिए नहीं पकड़ा उसको कि वो मारता है। तो अभी मैं बच गया उसके एक वार से, तो अभी इसको इसलिए मैंने पकड़ लिया ये, क्योंकि ये नहीं मारता, ये अच्छा मुर्गा भाई। ये भी कंदारी मुर्गी है, लेकिन ब्लैक कलर पर है, लेकिन बहुत अच्छा कलर है। अभी बारी बारी सबको खोलेंगे, तो अभी सबको दिखाएंगे हम आपको। ये बच्चे है भाई इनके, जो अभी दिखाया था ना आपको, तीनों बच्चे, एक वाइट भी है इनमें जो बहुत ही खूबसूरत है। ये कंदारी के बच्चे ना चमन सारे,
अच्छा ये ब्लैक वाले भी, लेकिन ये ब्लैक वाले अच्छे नस्ल के। अच्छा ये ब्लैक वाले। हाँ आजी हो गया। तो अभी इनको खुला रखेंगे, बस अभी जाएंगे नीचे, तो बस अभी इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, तो जाए नीचे घर की तरफ। ये मेरा एक और शौक भी दिखा रहा हूँ नीचे, जो दो दाने शौक है पड़े हुए। तो ये एक मैना पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये मैने को तो शायद हम लोग उड़ा देंगे कुछ दिनों में, क्योंकि इसका साथ का जो एक था ना वो बेचारा मर गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात तो एक जो बात करने वाला था ना वो बेचारा मर गया, लेकिन ये बच गया। ये भी करता हल्का फुल्का। और ये फिंच है, फिंच ने दो अंडे भी दिए हुए, अगर आपको नजर आए वो कोने में, आप नजर आए। अच्छा तो लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा, बस थोड़ा बालों से मार खाया हूँ। तो चले भी घर के अंदर, कहीं भी जाऊँ मेरे लिए चिप्स जो नहीं हमेशा बनता है, इधर भी चिप्स बन रहे हैं और चावल भी बने हुए साथ में। ये अंडे भी पड़े हुए भाई मुर्गियों के, तो मुर्गी एक कुल कोई भी तो उसको बिठाएंगे अभी हम लोग अंडों पर। तो ये मेरी पति थी है, सॉरी पांडी जी। तो चिप्स वगैरह और भी कर रहे भाई, मैं आता हूँ बस इनका भी फायदा हो जाता, बाजी इनके लिए भी बना देती है। पागल हो गया। चलो यार तो छोड़ो यार, अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो अभी हम लोग थोड़ा रोसा मोसा खोले, तो दुस्तान बिछने वाला है, बस अभी इंतजार ही हो रहा है। एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, इसको देखो अभी कर क्या रही है यहाँ पर। इसको पता नहीं है मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, शीशे के पास खड़े हो के जब भी देखो इसको बस यही काम करती रहती है। हाँ क्या कर रही है वे? शर्मा गई। चलो खेर है यार, छोड़ो जानने दो, तो हम आपसे भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तो हम आपसे करने लगे खुद ओ फेस।